नमस्कार, सत श्री अकाल आप सबको। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एप्लीकेंट के बारे में जिसकी रिसेंटली रिजेक्शन आई है। एंड रिजेक्शन का रीज़न आप दे सकते हैं इस एप्लीकेशन में जो आपको ये मिल रहा होगा, ये न्यू रिजेक्शन रीज़न है। क्या है? द पर्पस ऑफ योर विजिट टू कैनेडा इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद द टेम्प्रेरी स्टे गिवन द डिटेल्स यू हैव प्रोवाइडेड इन योर एप्लीकेशन। सो ये न्यू रिजेक्शन रीज़न है। आपको मैं पहले एक बात बता दूँ कि जो रिजेक्शन रीज़न जो हमें मिलता है, जो सब्सेक्शन होता है, पहले हमें यू विल नॉट लीव वाला होता था, अभी ये है न्यू रिजेक्शन रीज़न है। ये एक्चुअल में रीज़न नहीं होता जिसके भी आप पे हमारी जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट होती हो। ये ऑलमोस्ट 90% केसेस पे आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी जिनकी रिजेक्शन आती है। बट मेन जो रीज़न होता है, जो वीज़ा ऑफिसर के माइंड में होता है, जब वीज़ा ऑफिसर हमारी एक एप्लीकेशन रिव्यू करता है, जब वो नोट्स बनाता है कि मैं इसकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो वो नोट्स केप्स नोट में मिलते हैं। सो वो एक्चुअल रीजन जिसके बिहाफ पे जो एप्लीकेंट या फिर एप्लीकेशन है जो रिजेक्ट होती है, वो रीज़न हमें केप्स नोट में मिलता है। सो इट्स बेटर, मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आपकी रिजेक्शन आती है, आप ऐसे ही मत अप्लाई कर दो कि रिजेक्शन आ गई और साथ के साथ 2-3 दिन में SOP दोबारा बनाकर आपने जो है अप्लाई कर दिया। बट आपको एक्चुअल रीज़न जो है वो पता ही नहीं है, आप कैसे रीअप्लाई कर सकते हो, कैसे वीज़ा ऑफिसर के कंसर्न को आप एड्रेस कर सकते हो। अगर आपको एक्चुअल रीज़न पता होगा तभी आप अपनी एप्लीकेशन में SOP में उसको डिस्क्राइब कर पाओगे कि इस एप्लीकेशन को अगर जिस रीज़न पे आपने रिजेक्ट किया है उसकी एक्सप्लेनेशन आप तभी दे पाओगे। सो इट्स ऑलवेज बेटर होता है कि आप केप्स नोट अप्लाई करें। एंड जो केप्स नोट, आपको पता है कि मार्केट में एजेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, जो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस करते हैं, इसके 3-3, 5-5 हज़ार चार्जेस करते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते। अगर आप हमारे साथ इनरोल होते हो देन फ्री ऑफ कॉस्ट है इसकी। अगर आप अकेले केप्स नोट भी अप्लाई करना चाहते हैं देन यू कैन ऑल्सो कंटेंट अस। आपके जो केप्स नोट है इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते, बहुत ही कम में होते हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आपके एजेंट बोल रहे हैं 3-3 हज़ार या 5-5 हज़ार, प्लीज़ उनको इतना मत दीजिए। उसके बाद चलो इस एप्लीकेशन में अब यही हम डिस्क्राइब करते हैं या फिर एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों इसका रिजेक्ट हुआ, केप्स नोट में क्या रीज़न उसने दिया है। सो आपने रिजेक्शन लेटर देख लिया एंड ये रहे इस एप्लीकेंट के जो है इस एप्लीकेंट का जो केप्स नोट पे रीज़न है, कितना बड़ा आप देख सकते हो कि इसका रीज़न आया है। सो अगर हम इसका जो एक्चुअल रीज़न होता है वो केप्स नोट के लास्ट पेज पे होता है, सो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, सो दे देखते हैं डिस्क्रिप्शन है, ये ओनली डिस्क्रिप्शन है। क्या है? द पर्पस ऑफ योर विजिट टू कैनेडा इज़ नॉट कंसिस्टेंट। सो जो भी है, सो उसके बाद जो मेन रीज़न है वो अभी जहाँ पे हमको मिला है केप्स नोट में, इसके करंटली मैं कह सकता हूँ कि 20-25 दिन में जो केप्स नोट है आ जाते हैं। मैंने इस एप्लीकेंट के 6-7 जुलाई को अप्लाई किए थे एंड मुझे इसके 19 जुलाई को रिसीव हो गए। सो अभी हम इसको रीड करते हैं। ऑन रिव्यू ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग PS, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल हिस्ट्री, देयर मोटिवेशन टू परस्यू स्टडीज इन कैनेडा एट दिस पॉइंट डज नॉट सीम रीजनेबल। क्लाइंट हैज ऑब्टेन्ड अ बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2020 पास आउट है। उसके बाद PA इज रिक्वेस्टिंग टू टेक इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनालिटिक प्रोग्राम। PA has worked as a marketing executive from 2020 के 8 महीने से लेकर इस तारीख तक। एंड द एप्लीकेंट हैज फेल्ड टू सेटिस्फाई मी दैट परस्यूइंग द सेलेक्टेड प्रोग्राम ऑफ स्टडी इज रीजनेबल गिवन द हाई कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टडी इन कैनेडा व्हेन वी एंगेज द पोटेंशियल करियर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आफ्टर कंपटीशन एंड द लोकल ऑप्शंस अवेलेबल फॉर सिमिलर स्टडीज। जो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, जिसमें के मेन रीज़न क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड में, जब हम मेरी हर एक ट्रेंड वाली वीडियो में यही चीज़ आती है कि जब भी हम एक एप्लीकेशन लगाते हैं, आपको पता है कि आप कोई भी प्रोग्राम ऑप्ट करने जा रहे हो कनाडा में, आपको पता है कि वो प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, आपको पता है ऑलमोस्ट 90% केसेस में 1 साल का होता है, उसकी कॉस्ट करने में आपको पता है कि आपकी 20-25 लाख आ जाएगी। तो वही वीज ऑफिसर यहाँ पर बोल रहा है कि उसकी कॉस्ट आपको 20-25 लाख की आ जाएगी। एंड बट अगर आप यही सेम प्रोग्राम आप इंडिया में करोगे आपका 1 लाख में हो जाएगा। तो सेम प्रोग्राम आपको इंडिया में भी अवेलेबल है, आप इंडिया में क्यों नहीं कर रहे, आप कनाडा ही क्यों चूज़ किया, तो उसका भी कंसर्न एक जायज़ है। सो उसके पीछे आप क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हो अपनी SOP में वो देखो। एंड मोर ओवर वीज़ा ऑफिसर ने ये एक और कंसर्न भी बताया है कि अगर ये एप्लीकेंट ये सेम प्रोग्राम करेगा अपने कनाडा में एंड उसके बाद जब इंडिया वापस आएगा तब उसके पास
कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी, उसकी कितनी सैलरी होगी, वही चीज बोल रहा है इसमें कि लोकल ऑप्शन अवेलेबल फॉर सीनियर स्टडीज। और उसने ये भी बोला एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कि आपने जो 25 लाख इन्वेस्ट करोगे कैनेडा पे एज अ स्टडी, तो आप कितने टाइम में इसको रिकवर कर पाओगे। आप देखो बहुत ही जेन्युइन सा रीजन उसने बताया है, जेन्युइन सा। अगर तो आप ये चीज़ों उसको एक्सप्लेन करते हो, वीज़ा ऑफिसर को बताते हो कि क्यों आपको नीड पड़ रही है कनाडा जाके स्टडी करने की, एंड क्यों आपके अगर आप स्टडी करने जा ही रहे हो कनाडा, देन आपको वापस आके आपके क्या बेनिफिट्स होंगे, देन ऑब्वियसली बात है कि वो समझेगा आपका स्टडी प्लान। सो इसमें क्या मेन चीज़ क्या है कि आपका स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लान ही नहीं है, तो उसमें वो क्या चीज़ समझेगा। सो हमेशा पूरा एजेंट पे मत रहें, एसओपी को देखें, क्योंकि कॉपी पेस्ट भी बहुत चलती है, एंड देखें कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल होगा क्या नहीं बेनिफिशियल होगा। फर्स्टली तो आपको पता है कि कोर्स कॉलेज सिलेक्शन ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, रेलेवेंसी, सुपीरियरिटी, आप प्रोग्रेसिव जो स्टडी होनी चाहिए वो चीज़। सो उसके बाद जब ये चीज़ें हो जाती है फिर उनको समझाना, काफ़ी चीज़ें होती है, बट नॉर्मली आपको पता है कि ये चीज़ें काफ़ी जन स्किप कर देते हैं। बट करंटली आपको पता है कि उनके पास कितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, आपको पता है कि करंटली वो आपकी एप्लीकेशन में रीज़न ही ढूंढ रहे हैं। आप ऐसे इस ये सोचकर अपनी एप्लीकेशन तैयार करनी है कि जो एजेंट, जो वीज़ा ऑफिसर है, वो आपकी एप्लीकेशन में रीज़न ढूंढेगा आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के लिए। सो आपने उसको कोई रीज़न देना ही नहीं है, हर रीज़न की एक्सप्लेनेशन आपकी एसओपी में होनी चाहिए, ताकि अगर वीज़ा ऑफिसर के लाइक इसमें देखो इसका इस एप्लीकेशन में क्या था कि आपके बेनिफिट्स आफ्टर कंप्लीटेशन, ठीक है, कि क्या बेनिफिट्स होगा आपको ये प्रोग्राम करने के बाद जब आप इंडिया होगे, तो इसकी एक्सप्लेनेशन उसको एसओपी में मिली नहीं। अब आपका वो वीज़ा ऑफिसर आपको फ़ोन तो लगाने वाला नहीं है, पूछने वाला कि भाई आपने ये प्रोग्राम लिया है तो मुझे बता दीजिए कि आपको क्या जॉब मिलेगी, आपको फ़ोन लगा के थोड़ी पूछेगा, ना ही आपके लिए वो गूगल पर सर्च करेगा। सो मेन चीज़ क्या है, वो आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या सर्च की है। सो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी, अगर क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के लिए। सो अगर आप फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। अगर आप हमारे साथ अपनी एप्लीकेशन करना चाहते हो देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस, आपकी जो पूरी की पूरी एप्लीकेशन मेरी तरफ से ही की जाएगी, सारी एसओपी मेरी तरफ से बनाई जाएगी, कॉलेज कोर्स सिलेक्शन सारा आपको मेरी तरफ से दिया जाएगा, अगर आपका कोई प्रेफरेंस है वो भी उसको कंसिडर की जाएगी। सो मेन चीज़ क्या है कि आप इतना सारा पैसा लगाने जा रहे हो, उसके पीछे थोड़ा सा तो इंटरेस्ट आपका अपनी एप्लीकेशन में होना चाहिए अगर आप किसी कंसल्टेंट से अपनी फाइल लगाते हो। सो आई होप कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी रही होगी, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन आल्सो लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, एंड आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोस इन्फॉर्मेटिव मिलती रहेंगी जो कि आपको हेल्पफुल हेल्प करेंगी आपके स्टडी वीज़ा प्रोसेस में। एंड सून हम कल को हम लाइव सेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 10-20 मिनट का होगा, डेली कोशिश करेंगे कि डेली ये लाइव सेशन हो ताकि आपके क्वेश्चन हम आंसर कर पाएँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं वो हम आंसर नहीं कर पाते। सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। सत श्री अकाल, नमस्कार।